और देखिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं MET से, जहां पर अजीत गुट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और देखिए उससे पहले तस्वीरें पहुंच चुके हैं, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल आपको नजर आ रहे हैं, छगन भुजबल आपको नजर आ रहे हैं, और अपने तमाम समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। अब कौन कौन से विधायक शरद गुट के यहाँ पर नजर आएंगे वो देखना सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि आज सभी की नजर इसी पर कि आखिर कौन किस पर कितना भारी है, किसका पलड़ा आज भारी होगा, ये देखना सभी इस वक्त चाह रहे हैं। फिलहाल आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं MET से, जहाँ अजीत गुट की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अजीत पवार को आप देख सकते हैं, प्रफुल्ल पटेल, और ये दोनों ही वो शख्स जो शरद पवार की कभी दाहिने और बाहिने हाथ कहे जाते थे, आज NDA में शामिल हो चुके हैं। और किसके पास कितनी ज्यादा पावर है, आज उसी को लेकर शक्ति प्रदर्शन दोनों ही गुटों की तरफ से चल रहा है। क्योंकि अगर अजीत पवार MET सेंटर में बैठक करने वाले हैं, तो वहीं शरद पवार भी पीछे नहीं हैं, आज वो भी शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी में हैं। YB चौहान सेंटर में शरद गुट की बैठक है, वहां पर भी सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है, बकायदा शपथ पत्र के साथ वहां सभी विधायक पहुंचे, ये आदेश जारी किए गए हैं। और कुछ ऐसे ही आदेश यहां अजीत गुट की भी तरफ से अपने विधायकों के लिए जारी किए गए हैं। फिलहाल सीधी तस्वीरें आप बांद्रा से MET सेंटर से आप देख रहे हैं, जहां अजीत पवार पहुंच चुके हैं, छगन भुजबल आपको देख नजर आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल आपको नजर आ रहे हैं, और कुछ ही देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी। सीधी तस्वीरें आप मुंबई के बांद्रा से MET सेंटर से, और मेरे सहयोगी इंद्रजीत मेरे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अजीत पवार पहुंच चुके हैं, कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है? देखिए आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहां पर आप देख सकते हैं अजीत गुट के तमाम समर्थक। अब कितने विधायक इनके समर्थन में हैं, क्योंकि 35 से 40 विधायकों के समर्थन का दावा अजीत गुट के तरफ से किया जा रहा है।